Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. UP ke Mukhyamantri Yogi Adityanath ne kaha hai ki waqt badal chuka hai. Pradesh ke saath hi Meerut bhi. Ab Meerut vikas ki gati chhu raha hai. Itihas rachne wale Meerut ki pehchan mein Arun Govind नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। अरुण गोविल भारतीय कला के वह हस्ताक्षर हैं जिन्होंने भारत में प्रभु राम के चरित्र को अपने अभिनव शैली से जीवंत किया है। अब वे मेरठ की पहचान बनने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल को मेरठ की धरा पर लॉन्च करने के लिए आहूत किया गया था। योगी ने पूर्व की सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि एक वो लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे, हम कांवड़ यात्रा कराते हैं। एक वो दंगाइयों को गले लगाते थे, हम दंगाइयों से निपटते हैं। हम श्रद्धालुओं के मार्ग में फूल डालते हैं, वो लोग उनके मार्ग में शूल बिछाते थे। इंडी गठबंधन में जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताना बाना छिन भिन कर दिया है। सम्मेलन को फर्स्ट बाइट डॉट टीवी के कैमरे में कुछ इस तरह से कैद किया गया, देखिए। एक सामान्य बताऊं, पिछले 15 दिन से हम होली के गानों को सुन रहे हैं। मित्रों, कितना प्रभाव पड़ता है। मैं अक्सर चिंतित रहता था कि हमारे पर्व और त्योहार को कितना फोड़ बनाने का प्रयास हो रहा है, कितने फोड़ फोड़ गाने बजते थे। लेकिन इस बार मैं प्रदेश भर के सभी जगहों के गानों को मैं मंगवाता था कि भाई क्या गाने बज रहे हैं, मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि समाज की जानकारी मिलती है। लेकिन हर जगह एक ही गाना होली में बज रहा था, जो राम को लाए हैं। आप अनुमान करिए, होली है लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लाए हैं। कि मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वह आपके सामने है, और उन स्थितियों में राजेंद्र जी ने अपने योग्यतम प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अरुण गोविंद जी को आपके बीच में यहां पर दिया है। और अरुण गोविंद जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर हैं जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था। मैं देख रहा था उस समय तो लोकप्रिय था ही, लेकिन कोरोना में 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मांग हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल दिखा दो। तो इतिहास, मेरठ हमेशा इतिहास बनाता है, इतिहास में नाम दर्ज नहीं करता, इतिहास बनाने का काम करता है। हम प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जी को यहां बुलाए थे, विजिबिलिटी कमजोर हो गई, यानी इंद्र भगवान भी हमारी अगली परीक्षा ले रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी बाई रोड आए और 45 मिनट में यहां पहुंच गए और फिर बाई रोड ही दिल्ली गए। किसी संप्रभु संपन्न राष्ट्र को एक विधान से चलना होगा, एक प्रधान चलाएगा, एक विधान होगा, लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं कर पाती थी। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ, पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और धारा 370 भी समाप्त हुई। आप मुझे बताओ ना, क्या ये संभव था? क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या ये समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? क्या ये इंडी गठबंधन कर पाता? नहीं कर पाता। मोदी जी की गारंटी। और भाइयों बहनों, यही हम कहने के लिए आए हैं, आस्था का भी सम्मान है, यानी विरासत को भी और विकास को भी एक साथ ले जाने वाली कोई सरकार है तो वह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता का है। यार जातिवाद के नाम पर समाज के सामाजिक ताने बाने को ही तोड़ते थे, छिन्न भिन्न करते थे, लेकिन जाति के नाम पर अपने स्वयं के परिवार के बारे में सोचते थे। मोदी जी ने कहा कि नहीं,
140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है, उनके लिए फैमिली फर्स्ट, लेकिन मोदी जी के लिए नेशन फर्स्ट, देश पहला। मोदी जी ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी, तो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, इन्होंने जातिवाद को अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए इन्होंने उसका सहारा लिया। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेगा, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना भी साकार होगी, भारत ग्लोबल लीडर बनकर के उभरेगा। देखिए, सुरक्षा का वातावरण, एक वे लोग थे जो कर्फ्यू लगाते थे और एक हम हैं कि हम कांवड़ यात्रा को लेकर चलते हैं। एक वे लोग थे जो लोग दंगाइयों को गला लगाते थे और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगाइयों से कैसे निपटा जाना है उसका एक उपचार ही निकालते हैं। श्रद्धालुओं के लिए फूल बिछाते हैं, उसको अर्षा करते हैं, लेकिन वे श्रद्धालुओं के मार्ग में सूल डालते थे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा ये केवल भाजपा दे सकती है। वो छिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे हैं, और इसलिए देश के सामने कोई असमंजस नहीं। हर व्यक्ति जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन अब हमारा काम है। और हमारा क्या काम है? मोदी जी ने धारा 370 हटाई तो हर बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट हम पढ़ा करते थे। बीजेपी ने अपना काम किया, लेकिन अब हमारा काम है। और हमारा क्या काम है? मोदी जी ने धारा 370 हटाई तो हर बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट हम पढ़ा करते थे। तैयार है ना? अगला मेरठ में 26 को वोटिंग है, तो 26 अप्रैल की वोटिंग की तैयारी करेंगे ना। हर बूथ पर हर प्रबुद्ध जन, हर नागरिक को अपने साथ जोड़ करके ये तैयारी करेगा कि मेरे बूथ पर अगर 200 वोट पड़े हैं तो मुझे 370 और ऐड करने हैं। कैसे करेंगे इसकी तैयारी, इसकी योजना, एक एक घर को बताना है, एक एक लाभार्थी से मिलना है, एक एक परिवार के साथ संपर्क बनाना है, और 26 अप्रैल तक आप सबको मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में और अरुण गोविंद स्वयं बन करके एक प्रत्याशी के लिए संभव नहीं होगा कि एक एक घर में सम्मिलित है। उसका 26 अप्रैल के बाद आप उनको घुमाइए, खूब गांव गांव लेके जाइए, मोहल्ले मोहल्ले लेके जाइए, घर घर मिलाइए, खूब सेल्फी लीजिए। लेकिन तब तक आपका काम है स्वयं अरुण गोविंद बनना है और कमल निशान लेकर के घर घर में वो अपने साथ जोड़ देना है। तय किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीट प्राप्त करे और हम सहयोगी दलों के साथ 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करे। क्या सहमत है? सहमत है? सबका आशीर्वाद मिलेगा। अरुण जी को और कमल निशान को आशीर्वाद मिलेगा ना, सभी लोग सहमत है? तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।